तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडसेंस पिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि एडसेंस पिन कितने दिनों में आता है, एडसेंस पिन आने के बाद उसे वेरीफाई कैसे करते हैं। कई सारे केसों में ऐसा होता है कि एडसेंस पिन एक महीना भी लग जाता है। तो आज हम एडसेंस पिन के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले अपने फ़ोन में हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड वहाँ पे गूगल एडसेंस डाल के सर्च करेंगे। जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करके उसे ओपन करेंगे एंड यहाँ पे गेट स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे। एंड हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। ओपन तो हम इसे हम विदाउट डेस्कटॉप मोड के भी कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप मोड में कुछ सही रहता है देखने में। एंड यहाँ पे हम अपनी ईमेल से साइन इन करेंगे, जिस ईमेल से हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट है उस ईमेल से मुझे साइन इन करना है। एंड यहाँ पर साइन इन करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो बिलिंग एड्रेस पे जो हमारा एडसेंस पिन है वो 14 तारीख को भेजा गया था। तो अभी एडसेंस पिन हमारा जब 14 तारीख को भेजा गया है तो आज 23 तारीख है, मतलब इसे कुल मिला के अभी 8-9 दिन ही हुए हैं और ये एडसेंस पिन मेरे एड्रेस पर पहुँच चुका है। सबसे पहले हम नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 6-डिजिट वेरीफिकेशन पिन मांगता है। ये वही 6-डिजिट का वेरिफिकेशन पिन है जो हमें एडसेंस का लिफाफे के अंदर मिलेगा। मान लिया यहाँ पे हमारा पिन वेरीफाई करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो ऊपर ये एक्शन में जाके यहाँ पे लिखा है, यहाँ एक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपना वेरीफाई कर सकते हैं। वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो 3 डॉट पर क्लिक करके एडसेंस फॉर यूट्यूब पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन आएगा। फिर यहाँ पर नीचे देखो लिखा है वेरीफाई एड्रेस, वेरीफाई योर एड्रेस टू कीप अर्निंग। तो यहाँ पे वेरीफाई एड्रेस पे क्लिक करेंगे तब भी हम उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना 6-डिजिट का जो वेरीफिकेशन पिन है जो मुझे प्राप्त हुआ है गूगल एडसेंस की तरफ से, तो हम उसे यहाँ पे पिन अपना डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे। अपना पिन डाल के सबमिट करने के बाद में यहाँ पे जो हमारा एड्रेस वेरीफिकेशन है एडसेंस का वो कम्प्लीट हो चुका है।